हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ड्राई मसाला चिकन ग्रेवी का रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें मैरिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिसके लिए मैंने इसमें नींबू के रस को निचोड़ कर डाला है, और इसके लिए हमें 2 कटे प्याज, 2 प्याज भुने हुए, 8 से 10 कलियां लहसुन की फ्राई, और इसको हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें कच्चे प्याज, फिर भुना हुआ प्याज, लहसुन भुनी हुई कलियां, और फिर इसमें मैंने 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर दिया है। मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से कर सकते हो। 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें दिया है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर भी दिया है 1/2 चम्मच। फिर मैंने इसमें सरसों का तेल 2 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है, और 1/2 चम्मच नमक को भी मैंने इसके अंदर डाला है, और तेज पत्ता जिसे बे लीफ कहते हैं, 3 से 4 बे लीफ्स आप धोकर इसके अंदर डालकर इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर करीब मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख दिया था। ठीक है, फिर इसे हमें तेल, कढ़ाई में तेल लेना है। 4 बड़े चम्मच तेल मैंने लिया है। जब वो गर्म हो गया तो उसमें मैंने 2 बड़े प्याज को मैंने काटा है, और इसे उसी में मैंने फ्रेश चिली जो हरी मिर्च होती है करीब 7-8, ये मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इसको डालकर भुना है। जब वो थोड़ा लाल हो जाता है तब इसमें हम 2 बड़े चम्मच लहसुन, अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम डालेंगे। ठीक है, उसको डालकर भी हमें भूनना है। भूनते समय मतलब उसका जो अदरक लहसुन का कच्चापन है, जब तक वो निकल ना जाए तब तक हमें उसे भूनना है। फिर हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था उसे भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने जीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, लाल मिर्ची पाउडर है जो 1 बड़ा चम्मच है, फिर मैंने गरम मसाला घर में ही कुटे हुए थे उसका 1 चम्मच लिया है, और हल्दी भी दिया है। हमने मैरिनेशन के समय भी मसाले दिए थे। ये इन सब मसालों को आपको तेल में डालकर भूनना है। भूनते समय मसाले जल ना जाए इसके लिए आपको मसाले में थोड़ा पानी देकर उसको भूनना है। जब पानी देकर उसे अच्छी तरह आपको मिलाकर तेल छोड़ने तक आपको उसे भूनना है। जब उसका साइड, जब तेल साइड में आपको दिखेगा, ये तेल जब छोड़ दिया है, तब हम इसमें जो मैरिनेट किए हुए चिकन रखे थे उससे, जो मैंने 1 आवर रखा था, उन सबको इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमें भूनना है। भूनते समय ध्यान रहे कि अगर आपको लगता है कि ये जल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें छिड़क सकते हैं। ठीक है, उसे आपको अच्छी तरह से ढक कर करीब 10 मिनट तक हिलाते हुए चलाते हुए इसे पकाना है। जब ये तेल छोड़ने लगेगा, साइड आपको दिख रहा है ना आपका, जब तेल छोड़ जाता है तब हम इसमें नमक देंगे। नमक आपको स्वाद अनुसार देना है, क्योंकि आपने मैरिनेट करते समय भी हमने नमक दिया था, उसे देकर हमें मिक्स करना है। फिर उसे ढककर आपको करीब 5 मिनट, ध्यान रहे जले ना, उससे आप पानी छिड़क छिड़क के इसे भूनें। फिर जब ये थोड़ा साइड तेल छोड़ने लगता है तब हम इसमें फिर से इसके ऊपर हमें टमाटर देना है। 2 बड़े टमाटर के मैंने बीज को निकाल कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाली है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा दें, कम खाते हैं तो कम दें। इन सब को, टमाटर और मिर्ची को, हमें वो चिकन में जब वो हाफ डन हो जाता है तब हम उसमें डालकर फिर से उसे हम मिक्स करेंगे, और इसे तब तक हमें पकाना है जब तक वो टमाटर गल ना जाए। गल के आपको साइड में तेल छोड़ दे। और इसमें आप एक और चीज़ भी दे सकते हो, आलू, जो ऑप्शनल है। तो मैंने इसमें आलू दिया है, मैंने आलू को बॉईल किया है, छोटे छोटे पीसों में काट के मैंने आलू को तेल में फ्राई कर दिया था, जो ये इस तरह से जो आपको दिख रहे हैं उस, मैंने उसे बॉईल किया, उसको नमक और काली मिर्च देकर उसे फ्राई करके मैंने इसमें डालकर
मिस किया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं देना है, आपको आलू नहीं खाना है तो आलू आप ना दें। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, जल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसे मिक्स करें। उसे ढक कर पकने तक, तेल छोड़ने तक करीब 10 या 15 मिनट तक आपको, और सीम में बिल्कुल ही धीमी आँच पर इसे आपको ढक कर पकाना है। बीच बीच में आप हिलाते रहिए। जब आप देख रहे हैं साइड तेल छोड़ दिया है, सुंदर सा आपका एक एरोमा आ जाता है, तो ये बनकर तैयार हो जाती है। हमारा चिकन बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और ये टेस्टी भी है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे जीरा राइस के साथ खा सकते हैं और लच्छे पराठे या किसी के साथ आप खाएं। आप इसे प्लीज़ ट्राई करें, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।